हेलो सब्सक्राइबर्स, तो हम स्टार्ट किया था चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है फोर्स एंड प्रेशर। तो इसमें हम लोग क्या क्या कंप्लीट कर चुके थे, तो हम लोग ने कांटेक्ट नॉन कांटेक्ट फोर्स पढ़ा था, न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन पढ़ लिया था, ठीक है, उसके अलग अलग एग्जांपल पढ़े थे, है ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पढ़ा था, ग्रेविटी फोर्स पढ़ा था, मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स, फिर कुछ एक्टिविटीज़ भी हम लोग ने कर ली थी। और ये सारी चीज़ अगर आप सोच रहे हो हमने किस में की कहाँ की, तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका पार्ट 1 पार्ट 2 भी है ना, आप जाकर वहाँ से पहले का पार्ट 1 पार्ट 2 देख लो, फिर उसके बाद आपको नेक्स्ट समझ में आएगा कि हम लोग क्या क्या पढ़ चुके हैं, फिर आप इस लेक्चर को कंटिन्यू करो। फिर बैलेंस और अनबैलेंस फोर्स भी हम लोगों ने देखा था और उसके भी एग्जांपल पढ़े थे। अब हम आज देखने वाले हैं, बाकी भी हम सब पढ़ चुके थे, कि प्रेशर, मतलब पहला पार्ट तो हमने फुल्ली कम्प्लीट कर लिया, अब हम स्टार्ट करेंगे प्रेशर से। तो प्रेशर क्या है, तो कोई भी है ना, आप एक बंद बॉक्स ले लो, है ना, और उसमें आप हवा भर दो, ठीक है, तो वो बॉक्स पे जो भी जोर पड़ेगा ना, एक्चुअली वो प्रेशर है, ठीक है। अगर आपको मैं एक सिंपल लैंग्वेज में समझाऊं, सपोज़ एक बॉक्स है, बॉक्स क्यों ले रहा हूँ, बलून लेते हैं ना, एक बलून है, वेट, ये बलून है, इसके अंदर आपने हवा भरी ना, तो ये बलून का जो हर जगह से ये क्या प्रेशर लगाएगा, हर जगह पे प्रेशर लगाएगा। तो ये छोटा सा बलून, पहले ये बलून इतू सा था और उसके बाद प्रेशर लगाने के बाद वो इतना बड़ा हो गया, और यहाँ से उसका, जहाँ से आप उसके अंदर प्रेशर इजेक्ट कर रहे हो, ठीक है। तो ऐसा कुछ होता है कि प्रेशर, तो प्रेशर क्या कर रहा है, जब प्रेशर अंदर जा रहा है तो वो पूरे बलून के हर साइड वॉल पे प्रेशर लगा रहा है और बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है ना, बट निकल तो पा नहीं रहा है, तो वो उसके एरिया को एक्सपांड कर रहा है, ये समझ जाओ, ठीक है, कि कोई भी जगह से जब आप किसी जगह पे किसी हवा को भर दोगे तो वो वहाँ पे प्रेशर क्रिएट करेगा। तो हर जगह प्रेशर अवेलेबल है, इवन आपकी जो एटमॉस्फेयर है वहाँ पर भी प्रेशर अवेलेबल है। अब हम अच्छे से पढ़ेंगे इसमें कि क्या है, पहले मैंने आपको सिंपल लैंग्वेज में बता दिया कि किसी भी बॉक्स में अगर आप हवा भर देते हो तो उसके वॉल पे जो जोर लगेगा, जो फोर्स लगेगा, उसको हम प्रेशर बोलते हैं। ये इसका एकदम सिंपल वो है, यू मस्ट हैव ऑब्जर्व द टायर ऑफ टू व्हीलर फोर व्हीलर, जैसे अब सेम एग्जांपल भी उसने भी ले लिया है कि आपने टू व्हीलर फोर व्हीलर का टायर देखा होगा, है ना, उसको प्रेशराइज किया जाता है, उसके अंदर वो पंप लगाया जाता है, जब उसमें एयर फिल करना होता है, मशीन पंप लगाते हैं और उसके अंदर फिर एयर फिल करते हैं, तो क्या होता है कि आप जब वहाँ पर पिन लगाते हो तो उसका वही एरिया होता है जहाँ से सिर्फ जगह रहती है एयर जाने की वायर उसके अंदर, टायर के अंदर, तो वहाँ से वो प्रेशर पूरा डालते हैं और पूरी प्रेशर से वो टायर धीरे धीरे, अगर पंचर रहता है तो वो धीरे धीरे फूक के बड़ा हो जाता है। तो आपको समझ में आ गया ना कि वो पूरे वॉल पे फोर्स लगाता है तभी तो वो बड़ा होता है, जैसे बलून बड़ा हुआ था। और उसके लिए, उसको नापने के लिए ना क्या होता है, उनके पास एक मीटर होता है ना, एक डिजिटल मीटर होता है जिससे वो नापते हैं कि कितना अंदर प्रेशर हमने दिया है और कितना प्रेशर की ज़रूरत है या कितना प्रेशर कम हुआ है, उसमें वो फिट रहता है और उसको अप्लाई करने के बाद उनको मालूम पड़ता है, ठीक है। बाय अप्लाइंग द फोर्स ऑफ ए एरिया इज इंक्रीज, जब मैंने बोला ना कि जब फोर्स पड़ता है ना, बाय अप्लाइंग फोर्स, एक फोर्स अप्लाई हो रहा है ना, मतलब हवा उसको धक्का दे रही है ना, यानी फोर्स लगा रही है ना, प्रेशर इज इंक्रीज, तो प्रेशर बढ़ता है। जब टायर के अंदर हवा जा रही है तो टायर को धक्का दे रही है ना बाहर निकलने के लिए ज़ोर से, तो टायर बाहर तो जाने नहीं दे रहा है, तो टायर फूक रहा है, यानी क्या हो रहा है, प्रेशर अंदर इंक्रीज हो रहा है, तो उसका एरिया बढ़ रहा है। फोर्स प्रेशर इज, और फिर फोर्स और प्रेशर एक दूसरे से बहुत रिलेटेड है। आप बोलते हैं ना कि फोर्स मत करो, उसको प्रेशराइज मत करो, ये तो नॉर्मल लैंग्वेज है, बट जब अंदर टायर के अंदर जब आप फोर्स से हवा भर रहे हो, ऐसे थोड़ी कि अपने मुंह से हवा भरोगे और टायर फूक जाएगा, ऐसा थोड़ी होता है। जब फोर्स से हवा भर रहे तो टायर के अंदर प्रेशर पड़ रहा है ना, तो प्रेशर और एक दूसरे से रिलेटेड है, कैसे वो भी हम देखेंगे। एक एक्टिविटी है, टेक सम शार्प पॉइंटेड नेल, पुश देम इनटू द वुडन प्लैक बाय हैमरिंग ऑन देयर हेड, है ना, नाउ टेक अ नेल एंड होल्ड इट इन द हेड ऑन द प्लैंक एंड द हैमर इट डाउन एंड पॉइंटेड एट, व्हेन प्रेसिंग द ड्रॉइंग पिन इनटू द ड्रॉइंग बोर्ड देन गेट इनटू द बोर्ड इजीली। उसने क्या बोला है कि आप क्या करना है आपको, कि एक नेल लो, है ना, और उसको एक वुडन बोर्ड के अंदर एक शार्प नेल को हैमर करो, यानी ठोक के लगाओ, है ना, बाय अप्लाइंग अ फोर्स यूजिंग द थंब कैन पुश द पिन इनटू द बोर्ड, ऑन द कॉन्ट्री वाइल प्रेसिंग द ऑर्डिनरी पिन इनटू द बोर्ड विद द थंब में गेट हर्टेड। और उसने क्या बोला है कि आप जब हैमर से करोगे तो वो इजीली चला जाएगा, फिर ऐसे ही आप एक नॉर्मल पिन लो और उसको हाथ से अपने प्रेस करके दबा के वुडन बोर्ड पे ठोकने की कोशिश करो, तो क्या होगा, आपके हाथ में चोट लग जाएगी बट वो उसके अंदर जाएगा नहीं। तो इससे ये मालूम पड़ा कि जब हम लोग ने फोर्स लगाया, हैमर को मारा तो फोर्स किया ना, तो नेल के ऊपर प्रेशर पड़ा और नेल कार्डबोर्ड में घुस गया, लेकिन आप अपने हाथ से उस लेवल का फोर्स नहीं लगा पाओगे कि नेल उसके अंदर, वुडन बोर्ड के अंदर घुस जाए।
वॉट अ सिंपल एक्सपेरिमेंट। फिर एक एक्सपेरिमेंट है, द नेल इजिली पेनेट्रेट इन टू द वुड फ्रॉम इट्स पॉइंटेड एंड फ्रॉम दिस विल नोटिस दैट वेन फोर्स इज अप्लाइड ऑन द हेड ऑफ द नेल इट इज़ ईजी टू हैमर इन टू द प्लैंक। तो उसने ये बोला है कि एक नेल का जब शार्प पॉइंट उस पर रखा और उसका जो चौड़ा एरिया था जहाँ पर हैमर किया तो वो ईजिली घुस गया, बट उसको अपोजिट करके जो आपका पॉइंटेड एरिया उसको ऊपर रखते और जो आपका ब्रॉड एरिया है ना नेल को उल्टा करके ठोकते तो होता क्या? कभी नहीं होता, क्योंकि क्या हो रहा है, आप प्रेशर जो फोर्स लगा रहे हो वो कम एरिया पे लगा रहे हो, पतला है ना पॉइंट, और जो अंदर जिसको घुसना है वो बड़ा एरिया है इसलिए वो अंदर नहीं जाएगा। अब आपको एक फॉर्मूला है जिससे आपको सब समझ में आ जाएगा, है ना, द फोर्स परपेंडिकुलर टू द एरिया इज कॉल्ड प्रेशर। ये आपको नहीं समझना है, आपको सिर्फ इतना समझना है फोर्स इक्वल्स टू सॉरी प्रेशर इक्वल्स टू फोर्स अपॉन एरिया विच द फोर्स इज अप्लाइड, है ना। आपको इतना याद रखना है कि प्रेशर का फॉर्मूला फोर्स पर यूनिट एरिया होता है। अब आप बोलोगे फोर्स पर यूनिट एरिया ये क्या है, तो इसको मैं समझा लूँ कि ये देखो, जब भी प्रेशर है ना, जब भी प्रेशर इंक्रीज होगा है ना तो फोर्स भी इंक्रीज होगा, ये चीज़ याद रखना, बट जो नीचे रहता है ये डिक्रीज होगा, और यही चीज़ अपोजिट होगी, अगर ये इंक्रीज हुआ यानी एरिया तो प्रेशर भी डिक्रीज होगा और फोर्स भी डिक्रीज होगा। आप बोलोगे कैसे, तो मैं आपको बता दूं कि आपको ना किसी चीज़ को प्रेशर लगाना है ना, तो क्या करना है आपको, ज़्यादा प्रेशर लगाना है तो ज़्यादा फोर्स लगाओगे, लेकिन उसका एरिया जो है वो बहुत कम होना चाहिए। सपोज आपको सिर्फ इतना याद रखो, अभी आप ये मतलब जो आप बड़े क्लास में जाओगे कि प्रेशर इक्वल्स टू फोर्स पर यूनिट एरिया होता है, ठीक है। लाइक जितना नेल शार्प होता है यानी उसका नेल का एरिया उतना कम होता, उतना आसानी से घुस जाता, उतना उसको कम प्रेशर लगाना पड़ता, तो वही चीज़ है। और प्रेशर का जो यूनिट होता है वो होता है, प्रेशर का ऐसा यूनिट जो है वो न्यूटन होता है, और जैसे फोर्स का हो गया न्यूटन पर मीटर होता है, फोर्स का न्यूटन होता है और एरिया का होता है मीटर, इसलिए दोनों को मिला के बनाया गया न्यूटन पर मीटर यहाँ पर, यानी इसका न्यूटन हो गया और इसका जो हो गया ये मीटर हो गया, मीटर स्क्वायर, एरिया इक्वल्स टू मीटर स्क्वायर होता है ना, तो इसको हम लोग ने पूरा फोर्स का लिखेंगे, तो न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर, ये पूरा किसका हो गया, फोर्स का। फिर प्रेशर का क्या हो गया, यूनिट हो गया। और प्रेशर जो है ना वो स्केलर क्वांटिटी, क्योंकि ना प्रेशर कहीं भी लग सकता है ना, अगर आप बलून में भरोगे तो उसको सिर्फ बोलोगे नहीं ऊपर से फूकना ऊपर से, ऐसा थोड़ी होता है, वो तो पूरा बलून फूकाएगा ना, उसका कोई डायरेक्शन थोड़ी है, तो जिस चीज़ का डायरेक्शन नहीं होता वो स्केलर होता है। और 1 bar इक्वल्स टू 5×10^5 pascal होता है प्रेशर। इट इज़ इंक्रीज द प्रेशर रिड्यूस द सेम फोर्स इफ द एरिया डिक्रीजेज। मैंने जैसे बोला था ना कि अगर एरिया कम रहेगा है ना तो आपको ज़्यादा, और मतलब जो एरिया अगर उसका कम है तो आपको फोर्स प्रेशर जो है वो ज़्यादा लगाना पड़ेगा। इफ़ द एरिया प्रेशर रिड्यूस फ्रॉम द सेम फोर्स एंड द एरिया डिक्रीज द प्रेशर इंक्रीज फ्रॉम द सेम फोर्स। फॉर एग्जाम्पल ड्यू टू द नेचुरल एडप्शन बॉटम सर्फेस ऑफ द कैमल, जैसे कि एक एग्जाम्पल दे कि कैमल का जो पैर होता है ना वो बहुत चौड़ा होता है ना, तो चौड़ा क्यों होता है, ताकि जब वो रेगिस्तान में चले तो उसका प्रेशर कम लगे ज़मीन पे, जिस चीज़ का एरिया ज़्यादा होगा उसका प्रेशर कम होगा, मैंने आपको ऊपर ही बताया था है ना। और अगर उसका पैर पतला होता तो ज़्यादा प्रेशर लगा सीधा उसका पैर क्या होता, रेत में घुस जाता, इसलिए उसका पैर को चौड़ा बनाया गया है ना, उसका पैर चौड़ा होता है ताकि वो ईजिली वॉक करे और ज़्यादा प्रेशर ना पड़े उसके पैर पे। जैसे कि आप देखोगे मतलब कि अगर कोई चीज़ मतलब पतली सी अगर कोई चीज़ रखी हुई है तो धीरे धीरे वो ज़मीन के अंदर घुसने लगती है, बट वही चीज़ अगर चौड़ी है तो वो धीरे धीरे ज़मीन के अंदर नहीं जाती है। लाइक नेल का एक कील का एग्जांपल दिया था, नेल अगर नेल पतली है तो ज़मीन के अंदर ठोकेगा तो ईजिली ठुक जाएगी, बट अगर चौड़ी होती तो नहीं होती। फिर आगे एक एग्जाम्पल दिया प्रेशर ऑन सॉलिड, है ना, तो जो सॉलिड पे जो प्रेशर होता है ना वेट, प्रेशर एग्जर्टेड दिस प्रेशर डिपेंड ऑन द वैल्यू ऑफ वेट एंड कॉन्टैक्ट एरिया, तो कितना कॉन्टैक्ट एरिया उसके में आ रहा है उस पे डिपेंड करेगा। सपोज इन्होंने आपको एक एक्टिविटी दिया है, एक एग्जांपल कि एक दो बोर्ड लिया है मतलब दो पत्थर लिया है और उसके ऊपर एक लकड़ी रख दी और उसको चार बुक को अलग अलग जगह पर रख दिया, तो उसको लकड़ी को कोई फर्क नहीं पड़ा क्योंकि सबका एरिया डिवाइडेड, सब अपने अपने एरिया पर फोर्स लगा रहे हैं, बट अगर वो चारों बुक को एक ही जगह पर रख दिया तो चारों बुक का जो प्रेशर है ना, चारों बुक का जो फोर्स है वो एक ही जगह पे आ जाएगा और वो लकड़ी जो है वो टूटने के कागार पे आ जाएगी। प्रेशर ऑफ लिक्विड, देखा प्लास्टिक बॉटल हाँ 10 cm, ये भी आपका एक एक्टिविटी है। यहाँ पर क्या करना है कि आपको एक प्लास्टिक बॉटल लेना है, दो लेना है, दोनों का अलग अलग एक्सपेरिमेंट है, और एक में ना उसको पाइप से अटैच करके नीचे बलून लगा देना है, उसमें पानी भर जाना है
तो धीरे धीरे आप देखोगे ना कि पानी के प्रेशर से बलून पूरा फूक जाएगा और बलून के अंदर पानी भर जाएगा, ठीक है। तो इससे ये मालूम पड़ा आपको कि पानी के प्रेशर से बलून पूरा फूक जा रहा है। दूसरा ये है कि आपको एक ही बॉटल लेना है, उसमें तीन छेद करना है, एक बिल्कुल नीचे करना है यहाँ पर, वेट, यहाँ पर, एक उसके ऊपर करना है यहाँ पर, और एक इसके ऊपर करना है यहाँ पर। तो उससे क्या होगा, जब आप नीचे वाले में देखोगे ना तो पानी बहुत दूर तक जा रहा होगा, ठीक है, और उसके ऊपर वाले का पानी थोड़ा और करीब, उसके ऊपर वाले का, तो उससे ये मालूम पड़ा कि इसके थर्ड वाले पे सिर्फ इतने से पानी का प्रेशर है, सेकंड वाले पे इसका और इसका दोनों का प्रेशर है, और फोर्थ जो फर्स्ट वाला है छेद उसके ऊपर इस तीनों का प्रेशर है। तो यानी तीनों का प्रेशर ज़्यादा हुआ ना तो इसका जो फोर्स मतलब एरिया है वो दूर तक कवर करेगा, इसके पानी का फोर्स ज़्यादा दूर तक होगा। तो इससे आपको मालूम पड़ गया कि जितना प्रेशर बढ़ेगा उतना फोर्स भी बढ़ेगा। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि प्रेशर ऐसा था, प्रेशर इंक्रीज़ होगा तो उसके सामने क्या था, फोर्स भी था, तो फोर्स भी इंक्रीज़ होगा, ठीक है। बट तब क्या होगा, एरिया जो था एरिया वो डिक्रीज़ होगा, वो नीचे की तरफ एरिया उतना कम होगा। जैसे वो छेद छोटा है ना, अगर छेद बड़ा होता है ना, एरिया उसका बड़ा होता जो छेद होल किया हम लोग ने, तो पानी बहुत धीरे धीरे गिरता ना। तो यही हो गया ना कि प्रेशर जितना ज़्यादा होगा, अगर उतना होल कम रखोगे तो उतना पानी आगे तक गिरेगा। फिर गैस प्रेशर, इफ़ अ बलून इज़ इन्फ्लेटेड बाय द, जैसे एक बलून ने पूरी हवा भर दिया उन्होंने बोला, ठीक है, और फिर उसके बाद उस पर एक तो बलून पूरा फूक के बड़ा हो गया, फिर उस पर एक पिन मार दिया, एक छोटा सा उसमें होल बना दिया, तो उसको एक जगह मिल गई ना बाहर निकलने के लिए, तो वो वहाँ से निकल जाएगा पूरी तरीके से और प्रेशर रिलीज़ हो जाएगा। और जब तक उसमें होल नहीं था तो वो क्या कर रहा था, पूरे बलून को फुका के रख रहा था, और वो क्योंकि जो एयर कंटेनर है, जो गैस का प्रेशर है वो पूरे कंटेनर पे फ्लूइड है ना, एक फ्लूइड की तरह है, फ्लूइड कंटेनर एग्जैक्ट प्रेशर फ्रॉम द विसिन ऑफ वॉल ऑफ द बॉटम कंटेनर, या तो वो बॉटम के ऊपर जो एकदम ऐसे सपोज एक कंटेनर है, ठीक है, ये या तो बॉटम के ऊपर पूरा एरिया प्रेशर क्रिएट करेगा, यहाँ पर लगाएगा, या तो फिर ऊपर जो नॉब रहेगा जहाँ से आपने भरा है उसके ऊपर पूरा प्रेशर क्रिएट करेगा। दो ही जगह पर मेन प्रेशर लगता है, प्रेशर तो हर जगह लगेगा बट यहाँ पर इस दो जगह पर ज़्यादा प्रेशर लगेगा। आप पूछोगे क्यों, क्योंकि ये पूरे वॉल का प्रेशर यहाँ पर आ जाएगा ना, और ये नॉब तो है ही, नॉब से उसको थोड़ा पासिंग मिल रहा है जहाँ से उसको बाहर निकलना है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर, अब एटमॉस्फेरिक प्रेशर आपके एरिया में जो भी प्रेशर है ना, मतलब जो भी आपके एनवायरनमेंट में, उसको एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोलते हैं। तो उन्होंने वही बोला कि 16 किलोमीटर तक जो है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर बराबर रहता है, सेम रहता है, और उसके ऊपर जाते जाते एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होने लगता है। तो आप अर्थ के जितना ऊपर जाओगे ना, तभी तो जो प्लेन है वो इजीली उड़ देता है, क्योंकि वहाँ पे उतना प्रेशर नहीं रहता। अगर प्लेन नीचे से उड़ता ना तो उसके ऊपर हवा का इतना प्रेशर पड़ता कि वो नीचे गिर जाता, बट वो इतना ऊपर उड़ता है कि उसके ऊपर हवा का प्रेशर नहीं पड़ता। 400 किलोमीटर के बाद बिल्कुल डाइल्यूट हो जाता है द प्रेशर एग्जैक्ट इज कॉल्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इमेजिन वेरी लो हॉलो सिलेंडर ऑफ द यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया, उन्होंने बोला कि बिल्कुल मतलब लो क्रॉस सेक्शन एरिया लो, और उसको वेट ऑफ दिस फोर्स अप्लाइड इन द डायरेक्शन ऑफ द सेंटर ऑफ द अर्थ, दिस मीन्स द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज़ द रेशियो ऑफ वेट डिवाइडेड बाई, मैंने जैसे बोला आपको पहले बता चुका हूँ, जो सरफेस एरिया से डिवाइड करते हैं। फिर आपको ये एग्जांपल दिया कि बिल्कुल नीचे, जब आप बिल्कुल नीचे रहते हो ना तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है जैसे कि यहाँ पर, बट धीरे धीरे जैसे जैसे आप ऊँचाई पर जाने लगोगे तो एयर का प्रेशर बिल्कुल कम होने लगेगा। और एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है वो 101 × 10³ पास्कल के बराबर होता है, जिसको हम 1 bar भी बोलते हैं। 1 bar = 10²² हेक्टोपास्कल होता है। फिर आपको एक ग्राफ दिया हुआ है कि जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे है ना, यानी हाइट पे जाओगे, वैसे वैसे जो प्रेशर है वो, जैसे हाइट अगर 1000 फीट तक गए तो प्रेशर बिल्कुल डिक्रीज हो जाएगा, और वही 200 फीट तक हो तो हाइट का जो प्रेशर है वो बिल्कुल ज़्यादा, इतनी मतलब कम ऊँचाई तक तो यहाँ तक रहेगा बिल्कुल प्रेशर, और जैसे जैसे ऊंचाई आपकी बढ़ती जाएगी आपका प्रेशर कम होता चला जाएगा। यहाँ पर से ना, यहाँ पे इस 2000 की उस पे से, तो यहाँ पर आपका जो था ऊंचाई पे, बट धीरे धीरे और ऊंचाई पे गए तो यहाँ पर बिल्कुल लो हो जाएगा प्रेशर। तो आपका ये चैप्टर कंप्लीट होने के लिए हो गया है, फिर भी अभी आपको मैं एक लेक्चर या दो लेक्चर और लूँगा, वो पूरी तरीके से कम्प्लीट हो जाएगा।